नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल जानकारी। तो लवली फ्रेंड्स, अंगूठी की वीडियो यानी कि अंगूठे पर चंद्रमा की वीडियो आप सभी के प्यार प्रेम से 10 मिलियंस प्लस व्यूज क्रॉस हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ा और सारा का सारा सहयोग आप सभी का ही, जो हमें निरंतर वीडियोस के माध्यम से देखते रहते हैं। लेकिन अंगूठे पर चंद्रमा जो है, ये जो पॉइंट है और ये जो सब्जेक्ट है और जिस चीज के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी, तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन है वो फेक है? अंगूठे पर चंद्रमा का जो प्रभाव है या अंगूठे पर चंद्रमा जो है वो हकीकत है या अंधविश्वास है? बहुत सारे लोग जो हैं इसको हकीकत मानते हैं, इसलिए क्योंकि उनको 90% से भी ज्यादा इस अंगूठे पर चंद्रमा का जो प्रेडिक्शन हमने किया है, जो शोध करके लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, उनको 90% से भी ज्यादा लोग उस चीज को पसंद करते हैं, कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सभी तरीके से मान रहे हैं और उसका पूरा इफेक्ट भी दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग वहीं जो है इस बात को अंधविश्वास भी, देखिए इन इस तरह की बातों को, कई बातों को जो है मैं अवॉइड कर देता हूं और वो इसलिए क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और हर एक चीज के प्रति अपना संशय भी जारी रखते हैं। जिनका काम संशय करना होता है वो ऑब्जेक्शंस लेते रहते हैं किसी ना किसी, उन पर कोई भी चीज उनको पसंद नहीं होती। जिनको ऑब्जेक्शन लेने की आदत है वो वही काम करेंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अंगूठे पर जो नाखून पर जो चंद्रमा का निशान जो है वो वाकई में इफेक्टिव है, हकीकत है या फिर अंधविश्वास है? तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, देखिए अंगूठे की बात हमने करी, अंगूठे पर चंद्रमा जो बनता है उसकी बात करी, ये दोनों ही बातें और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सारी संबंधित है हमारे सामुद्रिक शास्त्र से। जिसको ये लगता है कि अंगूठे की बात हो ही नहीं सकती, अंगूठा ज्योतिष में आ ही नहीं सकता, या अंगूठे के फिंगरप्रिंट या अंगूठे पर बनने वाला चंद्रमा या अंगूठे से संबंधित और भी तरह की भविष्यवाणी समस्त प्रेडिक्शंस जो हैं वो अंधविश्वास मात्र है, तो आप अंधविश्वास का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अंधविश्वास का मतलब ये हो सकता है आपका जो कमेंट करते हैं कि ये सारी फेक बातें हैं, कहीं कोई रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन चीजों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप देखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये अंधविश्वास नहीं है, वाकई में कोई रजिस्टर्ड चीज है शास्त्रों के द्वारा है या वाकई में इसमें कुछ है, तो उसके लिए आप इस हकीकत को जानिए, जाकर के सामुद्रिक शास्त्र को उठा के लेके आइए, सामुद्रिक शास्त्र के पुस्तक को पढ़िए, उस ग्रंथ को पढ़िए, उस शास्त्र को पढ़िए जो ज्योतिष से संबंधित है, और उसमें अंगूठा ही नहीं बल्कि शरीर की संपूर्ण अंगों का शुभ अशुभ प्रभाव, अंगों पर चिन्ह और कई तरीके की चीजें, नॉलेज आपको उसमें पूर्ण तरीके से दिखेगा। लेकिन दिखेगा मेरे दोस्तों तभी जब आप जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पॉइंट्स शास्त्रों के होते हैं और उस पर शोध करना हमारा कर्तव्य होता है कि क्या ये वाकई में इसका प्रभाव देखा जा रहा है, कितने प्रतिशत देखा जा रहा है। इन बातों को जानने के लिए हम निरंतर जो है शोध करते रहते हैं और तब जाके अपना जो हमारा कहना होता है, मानना होता है, वो सारी चीजें तब हम अपने वीडियोस के माध्यम से वो सारा का सारा नॉलेज आप तक शेयर करते हैं। तो अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। अंधविश्वास का मतलब ही है जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है उस चीज को फैलाना अंधविश्वास कहा जाता है। मेन अंधविश्वास का मतलब यही होता है। सपोज दैट आप इमेजिन कीजिए कुछ ऐसी चीज जो दुनिया में मौजूद नहीं है, अब उसके बारे में तुम लोगों को भड़का रहे हो, उसके बारे में आप डरा रहे हो, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो उसे अंधविश्वास कहा जाता है। बाकी कुछ भी अंधविश्वास नहीं है।
और मेरे हिसाब से दुनिया में जो जो चीजें हैं अभी तक, जो किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, जो भी आप देखना सुनना जानना जो भी चाहते हो, वो सब कहीं ना कहीं है। तो मेरा मानना तो ये कि अंधविश्वास नहीं है, ये एक शास्त्रीय पद्धति है और सामुद्रिक शास्त्र का अंग। इसलिए जानना है तो सामुद्रिक शास्त्र पढ़ो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि ज्योतिष के सभी अंगों से संबंधित सारी प्रेडिक्शंस, वीडियोस और नॉलेज हम शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।